आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे स्केबीज के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, या डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी अपना टॉपिक सर्च कर सकते हैं। स्केबीज क्या है? स्केबीज एक बहुत ही कॉमन स्किन डिसऑर्डर है, जिसे आम भाषा में खाज या खुजली भी बोलते हैं। यह एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन के कारण होता है, जो माइट या घुन के कारण होता है, जिसका इन्फेस्टेशन खुजली के अलावा पेप्यूल्स, वेसिकल्स या लीनियर ब्रोज के रूप में भी दिखाई देता है। उससे भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस ब्रोज के अंदर माइट और उसके एग्स होते हैं। इससे बहुत ज्यादा खुजली होती है और यह बहुत ही ज्यादा कॉन्टेजियस डिसऑर्डर है, यानी संक्रामक है, फैलता है। पॉजिटिव एजेंट क्या है? स्केबीज इच माइट के कारण होता है, जिसका साइंटिफिक नेम सर्कोप्टस स्केबियाई या एकेरिस स्केबियाई होता है। जो फीमेल परजीवी है, पैरासाइट है, वो एपिडर्मिस में अंदर चली जाती है और वहां ब्रो बनाकर और वहां ब्रीडिंग करती है, एग ले करती है, और वहां उस समय खुजली बहुत ज्यादा आती है। खुजली वाली जो ये माइट है या घुन है, इसे बहुत ही ये छोटी होती है, नेकेड आई से देखा जा सकता है पर बहुत मुश्किल होता है। माइक्रोस्कोपिकली इसको इजीली देख सकते हैं। इसका जो साइज है वो 0.4 mm होता है। इसका शरीर टॉर्टोइज या कछुए के समान होता है, ऊपर से गोल और नीचे से फ्लैट। एक अकेली जो इच माइट है वो 2 से 3 एग प्रतिदिन के रेट से लगभग 30 अंडे दे देती है और ब्रोज के अंदर ही वो बाद में मर जाती है। ये जो एग होते हैं वो लार्वा बनते हैं, सरफेस पर आ जाते हैं और जो अपना हेयर फोलिकल है उसमें छेद करके वहां पर घुस जाते हैं। वहां फिर वो पेप्यूल्स या पस्टूल्स बनते हैं। लार्वा 3 दिन में लगभग निम्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं और निम्फ 6 से 8 दिन में वयस्कों में कन्वर्ट हो जाता है। एक जो अंडे से वयस्क बनने का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 10 से 15 दिन का होता है और एक वयस्क जो इच माइट है वो 1 से 2 महीने तक जीवित रहती है। उसके बाद में वो प्रोसेस चलता रहता है, एक साइकिल चलता रहता है। इसका जो ट्रांसफर का तरीका है, यानी ये इन्फेक्शन फैलता कैसे है, उसका सिस्टम होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट का। जब स्किन टू स्किन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है लंबे समय तक, तो ये जो पैरासाइट है ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाता है। इसके अलावा कुछ चांसेस हैं कि अंडरगारमेंट यूज से या क्लोदिंग से, टॉवल के यूज से भी ये ट्रांसफर हो सकता है, यदि इसको इन्फेक्टेड या इन्फेस्टेड व्यक्ति ने पहले यूज किया हुआ हो। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कैसे होंगे, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि स्केबीज हो गया है? तो स्केबीज का मेन जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो है खुजली, और इंटेंस खुजली होती है, बहुत ज्यादा खुजली होती है। इसके अलावा स्किन पर पेप्यूल्स, वेसिकल्स या टाइनी ब्रोज, खाइयां सी छोटी छोटी बनी हो सकती हैं, वो एक लीजन के रूप में आ सकती हैं। नॉर्मली पुरुषों में अंगुलियों के वेब्स में यहां पर आगे कलाई पर, एंटीरियर जो अपना एल्बो है वहां पर, और एक्जिला में, इसके अलावा जो ग्रोइन है वहां पर, और जो एक्सटर्नल जो जननांग है वहां पर खुजली या घाव आना इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। फीमेल्स में अगेन जो अपना फिंगर वेब्स है वहां पर तो है ही है, इसके अलावा निप्पल्स, एब्डोमन और जो बटक्स हैं उसके निचले हिस्से में, आज वहां पर ये बहुत ज्यादा खुजली का मेन साइट होती है या वहां पर ये लीजन्स बन सकते हैं। अगर इन्फेंट्स में देखें तो इवन हेड, नेक, हथेली और जो सोल है वो भी इन्वॉल्व हो सकता है। इचिंग धीरे धीरे इंटेंस होती जाती है, विशेष रूप से नाइट में इंटेंस इचिंग होती है। वैसे जानलेवा नहीं होती है ये डिजीज, पर इचिंग कंटिन्यू होती रहती है जब तक ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, तो ट्रीटमेंट जरूरी हो जाता है और ये कॉन्टेजियस है, फैलता है परिवार में, इसलिए ट्रीटमेंट जरूरी है। कॉम्प्लिकेशन के रूप में सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है इसमें के जो घाव है उनके अंदर। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? सामान्यतया डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन
इचिंग की हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो बरोज है वहां से स्क्रैपिंग करके भी माइक्रोस्कोपिकली इस माइट को आइडेंटिफाई करना कन्फर्म डायग्नोसिस हो सकता है। बस ये ध्यान रखना होता है कि जब स्क्रैपिंग की जाती है तो उस एरिया की ही करते हैं जहां पर बहुत ज्यादा खुजला कर क्रस्ट ना बन गए हो या एक्सफोलिएशन ना हो गया हो। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट इसका सिंपल है, एंटी जो इच माइट ड्रग्स अवेलेबल हैं वो दे सकते हैं। ड्रग ऑफ च्वाइस इसमें बेंजाइल बेंजोइट है, परंतु इसका एक सिस्टम होता है। क्या सिस्टम है कि पूरी बॉडी पर हर एक इंच पर थोड़ी से नीचे पूरी स्किन पर इसको अप्लाई किया जाता है लोशन के रूप में, नॉर्मली ये होता है, और 12 घंटे तक इसको रखते हैं। तो नॉर्मली जब भी इसको लगाया जाता है तो प्रेस्क्राइब किया जाता है कि नाइट में आप इसको लगा के सोएं और मॉर्निंग में जब उठेंगे तो नहा सकते हैं, और ये प्रक्रिया डेली 3 नाइट्स तक की जाती है तो ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। इसको जरूरत पड़ने पर एक या दो हफ्ते बाद रिपीट किया जा सकता है, अदरवाइज ओके है। इसके अलावा जो भी अंडर गारमेंट्स और कपड़े हैं, शीट बेड शीट्स हैं, वो ट्रीटमेंट के बाद अच्छी तरह धो के सुखा देनी चाहिए धूप में। उससे इच माइट कोई बचा हुआ है, एग्स हैं उसके अंदर, तो वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। कैलामाइन लोशन का उपयोग किया जा सकता है खुजली से बचने के लिए, और अन्य जो भी एंटी माइट मेडिसिन है वो भी प्रेस्क्राइब की जा सकती है डॉक्टर के द्वारा, जैसे परमेथ्रिन है या गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, उसका उपयोग भी किया जा सकता है। इसके अलावा एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी दी जा सकती हैं। अब मेन पॉइंट आता है कि इसको आप फैलने से कैसे रोक सकते हैं, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं कि नंबर वन, इसका जो खुजली का ट्रीटमेंट है वो एक साथ किया जाता है पूरे परिवार का, क्योंकि परिवार क्लोज कॉन्टेक्ट में रहता है, तो उनमें लक्षण हो बाकी मेंबर्स में या ना हो, सबको एक साथ इसको ट्रीट किया जाता है ताकि कहीं भी इच माइट के रहने की संभावना ना बचे। कम्युनिटी में सब लोगों को हेल्थ एजुकेशन दी जाए कि खुजली कैसे फैलती है, ये क्या होता है, कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है, तो सब अगर नॉलेज रहेगी तो इससे बच पाएंगे और समय पर इसका ट्रीटमेंट लेंगे। आइसोलेशन नॉर्मली 24 आवर्स का होता है कि जब ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो फर्स्ट 24 आवर तक उसको या तो स्कूल में अगर रहता है तो स्कूल में ना भेजें, वर्क प्लेस पे ना भेजें, ट्रीटमेंट शुरू होने के 24 आवर के बाद उसको भेजा जा सकता है। इसे हम कॉन्टैक्ट आइसोलेशन कहते हैं, ये टच से बचें। इसके अलावा कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन या समवर्ती कीटाणुनाशन, तो ये क्या होगा कि जो रोगी ने 24 आवर पहले तक जिन भी चीजों का यूज किया है, कपड़ों का स्पेशली अंडरगारमेंट्स का, शीट्स का, बेडशीट का, टॉवल का, हैंकी का, उन सबको डिसइंफेक्ट करना है ट्रीटमेंट शुरू होने के या ट्रीटमेंट करने के बाद, उन सभी चीजों को आप डिसइंफेक्ट करोगे। इसके अलावा संपर्कों की पहचान करेंगे कि जितने भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है या जो क्लोज कॉन्टेक्ट्स हैं रोगी की फैमिली, और इवन जहां पर वर्क प्लेस है वहां भी क्लोज कॉन्टेक्ट हो सकता है, तो उनमें पता करेंगे कि किसमें और ये संक्रमण है, उनकी फैमिली को भी इसको एक साथ ट्रीट करवाना है, चाहे उनमें लक्षण हो या ना हो। उनको प्रोफाइलेक्टिक के लिए भी उसको बता सकते हैं कि प्रोफाइलेक्सिस दिया जा रहा है इस स्कैबीज का, तो प्रोफाइलेक्टिकली एंटी इच माइट से उनको ट्रीट करेंगे। इसके अलावा भीड़ भाड़ से बचना भी खुजली रोग को रोकने का एक तरीका हो सकता है, ज्यादा ओवरक्राउडिंग में ना रहें। टॉवल्स, रुमाल और जो पर्सनल यूजिंग क्लोथिंग्स हैं अंडरगारमेंट्स, उनको साझा करने से बचें, सबका इंडिविजुअल हो। इसके अलावा पर्सनल हाइजीन और एनवायरमेंटल हाइजीन ये मेंटेन की जाए तो सभी प्रकार की स्किन इन्फेक्शन से बचा जा सकता है, इंक्लूडिंग स्कैबीज। धन्यवाद। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, और नोट्स बनाने के लिए आप विजिट कर सकते हैं mynursingstudents.blogspot.com। वहां पर आपका जो सर्च बॉक्स है उसमें आप अपना टॉपिक लिखें तो आपको टॉपिक मिल जाएगा, वहां से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।